दोस्तों, मैं अभी मेरा मार्केट पहुंच गया हूं और यहां से मेरा घर 500 मीटर दूर है। ये हमारा मार्केट है, आप देख सकते हो, और आगे मेरा घर है। यहां पे कुछ बच्चे रहते हैं और उनको मैं रात को खाने के लिए देता हूं। यहां पे सोए है, आप देख सकते हो, और आगे एक बच्चा है जिसको डिस्टेम्पर हो गया है। 3 महीने से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत प्रॉब्लम में है, और मैं जब भी जाता हूँ रास्ते से उसको देख कर जाता हूँ। यहाँ पे है बच्चा, इस जगह पे देख सकते हो। ओ हेलो हेलो बेटा, तुम्हारे लिए मैं खाना लेकर आता हूँ, ठीक है? अगर बारिश हो तो बच्चे को दूसरे जगह लेके जाना पड़ता है। उसका हालत देख सकते हो, डिस्टेम्पर हो गया है। तुम्हारे लिए मैं राइस लेके आता हूँ, ठीक है? और उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्या है ना, रखने के लिए जगह नहीं है और उसको कोई शेल्टर भी छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये इंफेक्टेड है, डिस्टेम्पर हो गया है। डिस्टेम्पर डिजीज और पार्वो डिजीज एक डॉग से दूसरे डॉग को फैलता है, जिसकी वजह से बच्चों को हम शेल्टर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि शेल्टर में जो डॉग रहते हैं, किसी का आगे पैर नहीं, किसी का पीछे पैर नहीं, किसी का आँख नहीं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कोई इंफेक्टेड डॉग आके हमारे शेल्टर में रहे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी डॉग है और प्रॉब्लम का ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो काड़ू बॉय है, यहाँ पे है काड़ू बॉय। काड़ू, ये काड़ू। और जैसे मैं बाइक ले गया, जितने भी बच्चे मेरे बाइक फ्रेंड सुन लिया, दौड़ के सेवा आ गई मेरे पास। यहाँ पे मेरा काड़ू बॉय है बेटा, खा ले बेटा, पैर उठाना यार, खा ले। हे हे लगे नो ब्लैकी, टेक इट, गुड जॉब, जल्दी से फिनिश करो। दोस्तों, ड्यूटी से आने के बाद थोड़ा थोड़ा राइस दिया बच्चों को खाने के लिए, और सुबह मैं बिस्किट दिया था, और रात को थोड़ा रोटी खाएंगे। अच्छे से फिनिश करो, गुड।